नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक स्टेट लेवल के यूनिवर्सिटी के विषय में, खासकर वे प्राइवेट भी है, उसके अंतर्गत होने वाले 2 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के विषय में, जो कि गाजियाबाद में पड़ती है और उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना, उसके विषय में बात करने वाला हूं, जो कि होने वाली है 2 दिन के बाद। और उसमें कैसे करना है रजिस्ट्रेशन, क्या है योग्यता, किस विषय पर हो रहा है और अन्य जानकारियां आपको इस वीडियो में प्रदान की जाएंगी। यदि जो भी ऐसे विद्यार्थी हों या शोधार्थी हों या टीचर्स हों जो इस विषय में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं या लेते हैं, तो वह सभी इसको अप्लाई कर सकते हैं। 8 जून यानी कि कल इसकी लास्ट डेट है। 8 जून दोपहर 3 बजे तक इसकी लास्ट डेट रखी गई है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो वीडियो देखने के तुरंत बाद आप रजिस्ट्रेशन कर दें, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और अन्य जानकारियों के लिए वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो अच्छा लगने के बाद वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि होने वाला है फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के विषय में। पुनः आपको मेरा नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे साथियों। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं MIT यूनिवर्सिटी के विषय में, जिसके सोशल साइंस डिपार्टमेंट ने एक 2 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया है। आप रिसर्च स्कॉलर हैं या टीचर्स हैं, सभी कैटेगरी के हैं, किसी भी राज्य के हैं, किसी भी स्टेट के हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। मूल रूप से सोशल साइंस के फील्ड में हो रही है। सोशल साइंस के जितने भी डायमेंशन हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं, उन सभी विषयों पर फोकस करती हुई है ये फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये सभी जानते हैं, जो लोग कर चुके हैं फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम की कोई वर्कशॉप, कोई क्लासेस, या जो लोग करना चाहते हैं, थोड़ी सी फीस लगती है इसके अंतर्गत। कितनी फीस लगती है उसकी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ। पैसे कैसे भेजने हैं, किस माध्यम से भेजने हैं, वह भी बता चुका हूँ। और साथ ही साथ इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपको जो वक्ता मिलेंगे, वो उनकी संख्या लगभग 10 से 15 के बीच में होगी। यानी कि एक दिन में आपको 7 से 8 वक्ता सुनने को मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, नॉर्मल सी बात है कि फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम मूल रूप से उन सभी शोधार्थियों के लिए भी है जो एज अ फ्यूचर टीचर बनने वाले हैं, या जो वर्तमान में रिसर्च एंड टीचिंग साथ साथ कर रहे हैं, उसके लिए महत्वपूर्ण है। और दूसरा, जो लोग PhD कर चुके हैं, PDF कर चुके हैं, डॉक्टरेट हो चुके हैं और टीचिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी ये ज़रूरी है। और जो भी ऐसे विद्यार्थी जो UG या PG में हैं, UG का तो मुझे नहीं पता, लेकिन PG भला भी अप्लाई करके इसका लाभ इसलिए ले सकता है कि टीचिंग की क्या स्किल होती है। यदि किसी का नेट नहीं है लेकिन मास्टर में है, या मास्टर कर चुका है लेकिन नेट नहीं, तो टीचिंग की क्या स्किल होती है अपने सब्जेक्ट को बेहतर से प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण से, तो इसकी समझ भी आपको इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में प्राप्त होने वाली है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मूल रूप से MIT यूनिवर्सिटी के बारे में कहा भी जाता है, माना कि बहुत महंगी यूनिवर्सिटी है, लेकिन कोर्स बेहतरीन है और उससे अच्छा वहाँ की फैकल्टी है। तो मैनेजमेंट हो, रिसर्च हो, और मूल रूप से जो भी ये फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम होने वाला है, फोकस रहेगा रिसर्च मेथोलॉजी को लेकर और सोशल साइंस को लेकर। रिसर्च मेथोलॉजी इन सोशल साइंस, यानी के जो शोध है वो सामाजिक विज्ञान के विषयों में किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से कुछ नया उसमें कर सकते हैं, और किस प्रकार सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए हमारा शोध किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो सकता है, और उसका उद्देश्य किस प्रकार से सफल हो सकता है, इन सभी विषयों की जानकारी आपको इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो 2 दिवसीय होने वाले फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में आप सभी ज़रूरतमंद रिसर्च स्कॉलर, टीचर, एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर, जो भी है, किसी भी स्टेट से हो, सेंट्रल से हो, डीम से हो, प्राइवेट से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसकी रजिस्ट्रेशन डेट अभी है 8 जून दोपहर 3 बजे तक है, इसको आप अटेंड कीजिए। और साथ ही साथ कुछ वक्ताओं के बारे में, इसमें आपको ऑस्ट्रेलिया के, इसमें आपको USA के, UK के, IIT मद्रास के, कई यूनिवर्सिटीज़ के VC आपको इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में सुनने को मिलेंगे, और आप उनसे सवाल जवाब भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैंने बनाया, आप तक पहुंचाया, कुछ कमियां रही हो तो ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। जो भी कमेंट करना हो बेधड़क कीजिएगा, किसी नेता की तरह आप पर कार्यवाही नहीं करूँगा, क्योंकि शोध का जो पहला चरण होता है वही शक से, यानी कि आपकी जिज्ञासा से, आपके क्रिटिकल थिंकिंग से स्टार्ट होता है।
और सिचुएशन के सलूशन के बहुत करीब तक पहुंचने के उद्देश्य पर समाप्त होता है। यानी कि यदि आप किसी समस्या के समाधान के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं तो समझ लीजिए आपका रिसर्च कार्य, आपका शोध, आपका अन्वेषण, आपका गवेषण पूर्ण रूप से सफल माना जाता है। क्योंकि किसी भी शोध का एग्जैक्ट रिजल्ट निकलना बहुत मुश्किल है, असंभव नहीं है, लेकिन असंभव से कि बहुत करीब तक पहुंच जाना ही आपको सोशल साइंस और रिसर्च मेथोडोलॉजी की पूरी प्रोसेसिंग सिखाती है, समझाती है, बतलाती है और स्पष्ट भी करती है। इन सभी डायमेंशन को यदि आप सीखना, समझना और समझकर उसको अप्लाई करना जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, किसी को और बतलाना चाहते हैं, अपने जीवन में, अपनी टीचिंग स्किल में, अपनी सोसाइटी में एज अ लागू भी करना चाहते हैं एज अ पीपल ह्यूमन बीइंग, तो भी ये 2 दिन का फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को शेयर करें यदि अच्छा लगा है, लाइक कमेंट जो भी करना है करें, लेकिन रजिस्ट्रेशन ज़रूर करें, अगले वीडियो का वेट करें जो कि एक 3 दिवसीय वेबिनार के विषय में होने वाला है जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के सोशल साइंस डिपार्टमेंट को करवा रहा है। कुछ ही मिनटों में आपको वह भी वीडियो मिलेगा, उस वीडियो का वेट करें। उसका भी रजिस्ट्रेशन 8 जून दोपहर 11 बजे या 1 बजे में कंफर्म नहीं हूँ, आप 1 बजे ही मान के चलिए कि 8 जून 1 बजे PM तक उसका रजिस्ट्रेशन है और 9, 10, 11 3 दिन का प्रोग्राम होने वाला है। क्या है पूरी डिटेल उसके लिए अगले वीडियो का वेट करें, कुछ मिनटों में आपके पास आएगी। यदि सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में को दबाएंगे आप तो नोटिफिकेशन आपकी ईमेल पर स्वतः ही पहुंच जाएगा, सेल्फ अपने आप पहुंच जाएगा, आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन फिर भी आप मेरे चैनल पर नज़र बनाए रखें, उस वीडियो का वेट करें। तकनीकी का अभाव है लेकिन पढ़ाई बाधित ना हो किसी की भी किसी भी परिस्थिति में, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो एज ए ट्यूटोरियल के रूप में आपके समक्ष भेजता हूँ, एज एक इन्फॉर्मेशन के रूप में इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो MIT यूनिवर्सिटी में 9 और 10 जून को होने वाला है। सभी प्रतिभागी हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप टाइटल पर क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन का लिंक, ज़रूरी फ़ोन नंबर, ज़रूरी ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट की डिटेल सभी कुछ दिया है। उसके बाद भी कोई समस्या आती है जो फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दिए हैं आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा मुझे भी आप पूछ सकते हैं, आपको सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। वीडियो को आपने देखा, पसंद किया, तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, सलाम इंडिया।